हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तत्काल टिकट के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। दोस्तों, तत्काल टिकट एक ऐसा वर्ड है जो आसान भी लगता है और मुश्किल भी लगता है। दोस्तों, जब आप तत्काल टिकट बुक करने बैठते हो तो तत्काल टिकट बनाने में आपको बहुत मेहनत करनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तत्काल टिकट बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो लोग अपनी पर्सनल आईडी से दूसरों के तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं उनको फर्जी टिकट के केस में जेल भी हो जाती है और उन पर मुकदमा भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल आईडी से तत्काल टिकट कैसे बुक किए जाते हैं और 143 रेलवे एक्ट के मुकदमे से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। IRCTC इंडियन रेलवे की यह एक ऐसी वेबसाइट है जिससे जनरल रिजर्वेशन और तत्काल टिकट बुक किए जाते हैं। IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए जब आप यूजर आईडी बनाते हैं उस यूजर आईडी को पर्सनल आईडी कहते हैं। अपनी पर्सनल आईडी से एक मंथ में आप 6 PNR बुक कर सकते हैं और अगर आपका उस पर्सनल आईडी में आधार कार्ड लिंक है तो आप 6 से ज़्यादा PNR बुक कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने काफ़ी सारे तत्काल टिकट बुक किए होंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन दोस्तों बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगता, क्या पता कब किसका बुरा वक्त आ जाए। दोस्तों, पर्सनल आईडी से जब आप किसी का तत्काल टिकट बुक करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी पर्सनल आईडी है वो किस नाम से बनी हुई है और उस पर्सनल आईडी में मोबाइल नंबर आपने क्या दे रखा है। मान लीजिए आपकी पर्सनल आईडी राहुल कुमार नाम से बनी हुई है। अब आपके पास कोई एक बंदा तत्काल टिकट बुक करने आया है, उन तत्काल टिकट में 2 से 3 या 4 नाम हैं, तो अब आपको ये देखना है कि उन नामों में राहुल कुमार नाम है या नहीं है। अगर उन नामों में राहुल कुमार नाम है तो आप अपनी पर्सनल आईडी से उसका तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में अगर उन नामों में राहुल कुमार नाम नहीं है तो अब आपको वे तत्काल टिकट कैसे बुक करने हैं। अब आपको ये देखना है कि जो आपकी पर्सनल आईडी में आपने मोबाइल नंबर दिया था वह मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए, मतलब वह मोबाइल नंबर का सिम आपके उस मोबाइल में नहीं होना चाहिए जिस मोबाइल से आप तत्काल टिकट बुक करेंगे। अब आपको किसी ऐसे मोबाइल से वह तत्काल टिकट बुक करना है जिसने कभी भी IRCTC यूजर आईडी नहीं बनाई है, बिल्कुल वह मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए। उस मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसमें अपनी राहुल कुमार की यूजर आईडी लॉगिन कर लेनी है, फिर आपको वे तत्काल टिकट बुक करने चाहिए। वे तत्काल टिकट बुकिंग करते टाइम आपको अपना मोबाइल नंबर हटा के किसी दूसरे का या पैसेंजर में से किसी का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जब आप पेमेंट के ऑप्शन में जाएं तो बेहतर यही है कि उन पैसेंजरों में से किसी का फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करके पेमेंट करना चाहिए। आपका तत्काल टिकट भी बुक हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको एक बात का खास ध्यान ये रखना है कि अपनी पर्सनल आईडी से एक महीने में कभी भी 6 PNR नहीं बनाने चाहिए। रेलवे आपकी वे पर्सनल आईडी ट्रैक करके ब्लॉक कर सकता है या आपका मोबाइल नंबर ट्रैक करके आप पर कार्रवाई कर सकता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, खास करके वो लोग जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं वो तत्काल टिकट भी बुक करते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वे जब तत्काल टिकट किसी का बुक करें तो उस पैसेंजर को हैंड टू हैंड तत्काल टिकट प्रिंट करके ना दें। उस पैसेंजर को वे तत्काल टिकट का प्रिंट कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे बाद उसके व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, लेकिन कभी भी प्रिंट ना दें और उसको ये बता दें कि ट्रेन में TT को व्हाट्सएप पर भेजी हुई PDF ही दिखानी है। दोस्तों, अगर आप अनलिमिटेड तत्काल टिकट बुक करते हैं और आपके पास 20 से 50 पर्सनल यूज़र आईडी हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, रेलवे आप पर कभी भी कार्रवाई कर सकता है। फर्जी तत्काल टिकट में जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर रेलवे 143 रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा करके जेल भेज देता है
उसके बाद उससे रेलवे पेनल्टी भी वसूलता है। दोस्तों, अगर आपके मन में रेलवे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।